लखनऊ नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जिसके लिए तमाम स्कूलों द्वारा समय समय पर बच्चों की स्किल डेवलपमेंट को लेकर तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को अंबरगढ़ स्थित सेंट मैरी पब्लिक इंटर कॉलेज में बच्चों को बिना स्केच व बिना ब्रश के चाकू के द्वारा चित्रकारी करना सिखाया गया। यहां मशहूर चित्रकार मो इसहाक ने स्कूल के बच्चों को चाकू द्वारा चित्र बनाने के गुर सिखाए। देखे वकार हुसैन की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मैं मोहम्मद साहब हूँ जी। 40 इयर्स मुझे काम करते हुए हो गया है। काफ़ी मिनिस्ट्रीज और अदर कई कंट्री भी मैं गया हूँ ये लाइफ के द्वारा। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ, मेरा ज़्यादातर जो भी यूनिवर्सिटी है या इंटर कॉलेजेस हैं मैं जाता हूँ, बच्चों को लाइफ से पेंटिंग सिखाता हूँ। इसलिए कि बच्चों को आर्ट फील्ड में कभी ये ना हो कि मेरे पास आज ब्रश ख़त्म हो गए या ब्रश नहीं है तो मैं पेंटिंग कैसे करूँ। और लाइफ एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उसमें एक 3D का इफेक्ट मिलता है पहाड़ों में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे सेंट मैरी ने इंटर कॉलेज मुझे बुलाया और आमिर सर ने, मुझे बहुत खुशी। आज किस तरह का कार्यक्रम आपने अपने स्कूल में रखा है? सर एक ये आर्ट की वर्कशॉप है। जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि आज हमारे साथ मिस्टर मोहम्मद इसहाक साहब जो बहुत सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हैं, बच्चों को छुरी के द्वारा नाइफ द्वारा कैसे पेंटिंग बनाई जाती है विदाउट एनी स्केच विदाउट एनी अदर थिंग डायरेक्टली वो बताना सिखा रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं इस वर्कशॉप में। तकरीबन कितने बच्चे यहाँ पर हैं? इसमें सर करीब 150 के आसपास बच्चे हैं, क्लास 6 से लेकर 12 तक। और कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी हैं जिनके पास 11 12 में आर्ट एज अ सब्जेक्ट है, उसी में से हम 10 बेस्ट बच्चे छाटेंगे इनको आगे इस नाइफ कला सिखाई जाए कि छुरी के द्वारा कैसे पेंटिंग बनाई जाती है। अच्छा, ये कहाँ पर है स्कूल आपका? सर ये अंबरगंज में है, इंटरमीडिएट कॉलेज है सर। क्या नाम है स्कूल का? सेंट मैरी पब्लिक इंटर।